देखिए दोस्तों, यहाँ रमज़ान में ऐसे बॉक्स में मिलता है अफ्तारी करने के लिए, सबको मिलता है यहाँ पे। देखिए लाइन लगा हुआ है, सब पूरा वहाँ से लाइन लगा हुआ है, सबको मिल रहा है। ठीक है, सबको मिलता है ऐसे अफ्तारी के टाइम में। हर जगह ऐसे स्टॉल लगा लगा के लोग देते हैं अफ्तारी वगैरह। ये नेकी का काम है ना, सब लोग करते हैं ऐसे। उसमें अपना जो मस्जिद है, मस्जिद में तो होता ही है, उसके अलावा भी अलग अलग जगह पे भी ऐसे देते हैं अरबी लोग। ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से बांटा जा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, उसमें किसी का भेदभाव नहीं है, जो लाइन में जाएगा सबको मिलेगा। ये नहीं कि जो रोजा है उसी को मिलेगा, बगैर रोजा वाले को भी मिलेगा, सबको मिलता है। और अबू धाबी में जो मस्जिद है ना, शेख जायद मस्जिद, उसमें डेली 50,000 लोगों के लिए अफ्तारी ऐसा ही वक्त मिलता है। डेली 50,000 लोगों के लिए डेली, जिस दिन से रमज़ान चालू होता है आखिरी दिन तक मिलता है। 50,000 लोगों का डेली रहता है, ऐसा ही बक्स वहाँ भी रहता है। देखिए सब लोग लेके जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको मिलेगा, जो लाइन में जाएंगे सबको मिलेगा। ये जगह है जो बरदुबई का है, ये बोट वाला स्टेशन है। वो सामने जो बिल्डिंगें दिख रही है उस साइड में ना, वो सब देहरा है, ये बरदुबई है। इधर से लोग बैठते हैं और उस पार जाएंगे तो देहरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए गोरेलू भी ले रहे हैं, गोरेलू भी लेके जा रहे हैं। बस इस्लाम में यही एक अच्छाई दिखता है कि भेदभाव नहीं रहता है, ये अच्छा चीज़ है। भेदभाव नफरत फैलाना नहीं रहता है इसमें। जो जाहिल लोग हैं अपने यहाँ भी, चाहे कहीं भी हैं जाहिल, वही बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम ये वो जो करते हैं ना, जाहिल है, उनके पास अकल ही नहीं है। अकल रहे तो फिर ये सब बातें ना करें। वो लोग दूसरे के बहकावे में आके उल्टी सीधी हरकतें बोलते हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं किसी के बारे में, वो जाहिल लोगों का पहचान है। जो गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहाँ किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं सब। ये लोग क्यों इतना सक्सेस हैं, अरबी लोग इसीलिए सक्सेस है ना, कोई इनके पास भेदभाव वाला बात नहीं है, इसलिए पूरा दुनिया इनके पास आ रही है। ये लोग भी भेदभाव करते हैं। अभी देखिए वो लोग होली खेले हैं, और सामने कलर से फूल हैं एकदम। आज होली है ना, होली के दिन आज पूरा कलर लगा हुआ है उनको। ये लोग बोल नहीं सकते हैं कि चल भाई तू कलर लगाया मैं तुमको नहीं दूंगा, वो बोल ही नहीं सकते हैं, सबको देना है। तो यही एक खूबसूरती है। तो हर जाति में होते हैं बेवकूफ़ इंसान, बेवकूफ़ नहीं होते, जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहे, अधूरा बात सुन के किसी का भी उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं, मजहब पर कमेंट करते हैं, ये सब गलत बात है ना। ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी के बारे में। सबका मजहब एक जैसा है, सबका जो जो मान रहा है वो अपना माने, उसमें खुशी सबका अपना अपना है। क्यों बोलने का कि हमारा अच्छा है तुम्हारा बुरा है? उसको जिस दिन अक्ल खुलेगा खुद ब खुद, वो अपना जो धर्म उसको अपनाना होगा अपनाता है, चाहे अपनाया हुआ है, इसमें कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो नेता लोग जो है बस वोट लेने के लिए भड़काते हैं, वो लोग कुर्सी सेक रहे हैं, और ये लोग जो है बस रोड पर चप्पल घिस रहे हैं। और नेता लोग के लड़के सब विदेशों में जा कर के पढ़ रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े बिजनेस करके वहाँ जा कर के बैठे हुए हैं। ये लोग जो झंडा लेके घूमने वाले, दिन भर में 200 रुपया पॉकेट में नहीं रहेगा खर्चा करने के लिए, या जयकार मचाते रहते हैं, ये गलत बात है ना। कमाओ फमाओ, क्या झंडा ढो रहे हैं झूठ मूठ का दूसरे तीसरे का? वो झंडा ढो रहे हो, तुमको खाने पीने को मिल गया, एक बोतल मिल गया, 200-300 रुपया मिल गया, उसे धर्म कर्म चलने वाला है? आगे के लिए सोचना चाहिए ना कि बच्चे तुम्हारे कहाँ जाएंगे। अभी ये हाल है तो तुम्हारे बच्चा जब से आने होंगे तो वो क्या होंगे? जब कमाओगे नहीं तो बच्चे तो भीख ही मांगेंगे ना बाद में। फिर अभी तुम पीछे घूम रहे हो लोगों के, नेता लोग झंडा ढो रहे हो, तुम्हारे पास अगर उतना
कुवत रहता तुम्हारे अंदर, उतना अगर ताकत रहता तो कुछ काम करके बैठते ना, झंडा तो नहीं ढोते किसी का। तो तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, तो तुम्हारा बच्चा जब होगा तो वो तो क्या होगा, फिर भिखारी होगा ना वो। आज होली है, बच्चे सब होली खेल के जा रहे हैं, सब होली खेले हुए हैं, सभी है। सब इंडिया का लोग है ये लोग। होली मुबारक हो आप सबको। देखो होटल वाले, होटल में काम करते हैं वो लोग बेचारे, फिर भी लेके जा रहे हैं वो लोग। वो सामने जो होटल है, वो होटल में काम करते हैं वो लोग, फिर भी उनको चाहिए बिरयानी या इफ्तारी, उधर खुद उन लोगों के पास है। और फ्री में मिले तो कौन छोड़ता है, सब लेते हैं ना। तो चाइना वाले वो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। वो लोग जब समझ जाएंगे तो वो भी जाकर लाइन में, देखो पूछ रहे हैं वो लोग कि उसके अंदर क्या क्या है। अब उनको पसंद आएगा तो वो लोग भी जाकर लाइन में लगेंगे, वो भी लेंगे जा करके। ऐसा कुछ गलत नहीं रहता है, सब चिकन आइटम रहता है, ऐसा मटन का नहीं देते हैं लोग, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सबको खाना है ना, इसलिए गलत चीज़ कुछ डालते ही नहीं है लोग, चिकन आइटम डालते हैं। वो देखो सब होली खेले हुए हैं वो लोग, सब होली मनाए हुए हैं। वो लोग मना किया कि नहीं नहीं देंगे तुमको। यही खूबसूरती है इस्लाम में, यही खूबसूरती है, सबको एक बराबर देखा जाता है। इसको बोला जाता है इस्लाम और इसको बोला जाता है खूबसूरती, कोई भी मजहब हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू मजहब गलत है चाहे क्रिश्चन गलत है, सब सही है। लेकिन जो कुछ उसमें बिगड़े हुए रहते हैं ना, वो भेदभाव डाल देते हैं उल्टा सीधा। ये सबसे सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए सबसे। आखिर ये लोग क्यों बांट रहे हैं, क्या जरूरी है इनको बांटने का, कुछ जरूरत है नहीं, लेकिन दे रहे हैं ना सबको। ये सबसे सीखना चाहिए, इससे क्या होता है, देश का उन्नति होता है। इसमें क्या होता है, एकजुटता होता है, पूरा देश में ये मैसेज जाता है और कंट्री जहाँ जाए जाएगा कि हाँ चल भाई ये लोग अच्छे लोग होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। तो पूरा देश का लोग आता है यहाँ, बिजनेस करता है, टूर पे आता है, घूमता है। जो भी टूरिस्ट आएगा तो आखिर यहाँ दे के ही जाएगा पैसा, लेके तो जाएगा नहीं, आएगा तो होटल का पैसा भरेगा, खर्चा करेगा, ट्रांसपोर्ट में देगा। देखो लोग दौड़ रहे हैं लेने के लिए, सब ट्रांसपोर्ट के में देंगे, जो शॉपिंग करेगा उसमें देगा, तो दे के ही जाएगा ना पैसा। तो उसी तरह हर देश में, बहुत देश ऐसा है जो कि लापरवाह है, वहाँ का कानून सही नहीं है, वो देश भिखारी बन गया है, वो देश भिखारी बना हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ जाते ही नहीं है, डरते हैं कि जाएंगे तो किडनैप हो जाएंगे, जाएंगे तो पकड़ लेगा, जाएंगे तो ये करेगा वो करेगा, वहाँ नहीं जाते। वो देश तो एकदम नीचे गिरते जा रहा है। यहाँ हर तरह का सेफ्टी है, सबको एक जैसा देखा जाता है, सब एक जैसे हैं। तो ये देश तरक्की पर तरक्की कर रहा है, मुश्किल से 75 साल हुआ है दुबई को डेवलप किए हुए, पहले नहीं था। 70 साल पहले आप लोग सर्च मारो कुछ नहीं था, यहाँ रेती और समंदर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ 70 साल में कहाँ से कहाँ बढ़ गया, ये कहाँ से कहाँ गया, पूरा दुनिया यहाँ के झुक रही है ना इसके सामने। देखिए और बुला रहे हैं, बोलते आओ आओ सब ले जाओ। अभी पीछे गाड़ी है, वो गाड़ी में भरा हुआ है पूरा। और देखो वो लोग लड़कियाँ भी जा रही है, होली खेली हुई है सब, देखो सब लोग लेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे। देखो बुला रहे हैं कि कम कम कम, देखिए हाथ से मार रहा है, बोले आओ सब लोग आओ। देखो ये सब होता है खूबसूरती यहाँ का, ज़्यादा है वो बोल रहा है ज़्यादा है। हिंदी भी सब जानते हैं ये लोग, हिंदी भी सीखे हुए हैं सब, सब लोग ले ले लिया इसलिए नहीं जा रहा, सब लोग लेकर रखा है ना हाथ में और ऊपर रखे हैं ना, वो जो दीवार है दीवार पर सब लोग रखा है ले लेकर। यहाँ मस्जिद में भी जाएंगे तो इससे ज़्यादा, वहाँ भी कम से कम एक एक मस्जिद में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोगों का हर मस्जिद में ये इफ्तारी होता है, हर मस्जिद में होता है रमजान भर पूरा। और आबू धाबी में शेख जायद मस्जिद है ना बड़ा वाला, उसमें 50,000 पर डे। ये नहीं है कि ये अमीर है गरीब है, जो जहाँ जाएगा वहाँ बैठेगा वहीं बैठना। उसके बाजू में एक अरबपति बैठता है, एक बाजू में एक वर्कर बैठता है काम करने वाला मजदूर, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है उसमें।
अपने देश में तो अगर नया नया कोई पैसा कमा लेता है ना तो उसका चाल चलन ही बदल जाता है उसका। वो कितने हाई फाई में कूदने लगता है, फिर नीचे गिरता है तो फिर उठने के भी मौका नहीं मिलता उसको।